राइट, जो भी मैंने बोला ये सब स्टोरी के पार्ट है। ये लोग बैठा हुआ था, ये लोग कहीं जा रहा था, मतलब एक मूवमेंट के अंदर ये दूध बेचने वाला है। हाँ मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ, एक दूध बेचने वाला यहाँ पे दूध बेचने के लिए आया था, फिर कोई दूध लेके गया पैसा लेने लाने के लिए, और वो वेट कर रहा है कब वो पैसा लाएगा कब वो जाएगा। ये एक स्टोरी के पार्ट में आया, राइट। सेम चीज यहाँ पर भी, तो तीन चीज है, मतलब तीन नहीं है और भी है, लेकिन इस केस में तीन चीज है जो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, एलिमेंट ऑफ स्टोरी कह सकते हैं। सेटिंग मतलब वर्ल्ड, प्रॉप और कैरेक्टर। ओके, वर्ल्ड मतलब क्या, वर्ल्ड मतलब है कि ये जो अंकल है इसका जो बैकग्राउंड है और इसका जो बैकग्राउंड है, दोनों में डिफरेंस है। तुम सिर्फ बैकग्राउंड से ही इसका वर्ल्ड समझ में आ रहा है, इसका वर्ल्ड समझ में आ रहा है, ये कहाँ से है, किस टाइप का आदमी, किस टाइप का मतलब किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, इसका भी सेम चीज तुमको समझ में आएगा कि ये किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, राइट। सेम चीज इसमें और इसमें तुमको मिलेगा कि इसका वर्ल्ड क्या है, ये इंडियन है, राइट, ये बाहर का किसी कंट्री का है। सेम चीज यहाँ पर भी, तो ये एक वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड कहते हैं, कह सकते हो सेटिंग, कह सकते हो सेटिंग मतलब ये जो सेट रहता है उसका एरिया। प्रॉप मतलब कैरेक्टर किस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या जैसे कि यहाँ पे ये चेयर है जहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे इसके लिए चेयर नहीं है, तो इंस्टेंटली तुम देख सकते हो प्रॉप का डिफरेंस है। इस चेयर को देख के तुम बता सकते हो कि इसका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत ज्यादा है, अच्छा है। अभी इसी अंकल को अगर टूटा फूटा एक चेयर में बैठा होगे तो इसका फाइनेंशियल सिचुएशन तुमको समझ में आएगा। मतलब तुम एक गेस कर सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन गेस कर सकते हो। यहाँ पे सिगरेट प्रॉप है, यहाँ पे साइकिल प्रॉप है। अब स्टोरी कैसे बनता है, जैसे ही तुम किसी एलिमेंट को स्वैप करोगे ना, इंस्टेंटली तुमको एक डिफरेंट स्टोरी मिलेगा और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगा। जैसे ये वाला इस केस में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बोल रहा है, राइट, ये दोनों। अभी तुम जस्ट इंटरचेंज करो कैरेक्टर्स को, इस अंकल को यहाँ पे बिठाओ, इस अंकल को यहाँ पे बिठाओ। अभी मान लो कि तुम किसी अमीर ज्यादा के घर में गए हो और जाके देख रहे हो, ये अंकल को तुम पहचानते हो, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, या फिर तुम पहचानते भी नहीं भी हो, छोड़ो, वो बैठा हुआ है, तुम्हारा इंस्टेंटली दिमाग में आएगा ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये इसका जो बेस है, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो पहनावा है, वो चीज इस बैकग्राउंड के साथ नहीं जा रहा, इस वर्ल्ड के साथ नहीं जा रहा, तो इंस्टेंटली तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये आदमी यहाँ पे क्यों है। दैट इज द बेस ऑफ अ स्टोरी, राइट। अगर तुम उसको पहचानते हो, अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हो, राइट, तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इस बंदे का कोई स्टोरी होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पे है, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज करो, इस दूध वाले को यहाँ पे इस लंदन के रोड पे डालो और इस वाले को यहाँ पे डालो, तो तुमको इंस्टेंटली एक स्टोरी मिलेगा कि ये दूध वाला लंदन में ऐसे बेस में क्या कर रहा है, क्योंकि लंदन का दूध वाला ऐसा नहीं दिखता है, राइट। तो इंस्टेंटली तुमको एक क्वेश्चन आएगा कि ये कौन है, अब इंस्टेंटली तुमको एक स्टोरी मिलेगा उसका। रास्ते में चलते हुए तुमको भिखारी दिखता है बहुत सारा, राइट। अब कभी तुमको मन में ये सवाल हुआ है कि इससे इसके पूछो कि ये भिखारी कैसे बना, लेकिन अभी उसी एक नहीं भिखारी को उठा के तुम एक मान लो कि कहीं पर किसी बड़े घर के चेयर में बिठा दो, तो तब तुम्हारे माइंड में सवाल आएगा कि तुम वहां से यहाँ पे कैसे आए, या फिर तुम अगर किसी भिखारी को देखते हो कल ये लेके घूम रहा है, एक बहुत बहुत अच्छा एक कार लेके घूम रहा है, तुमको तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन लगा इसको यह कहाँ से मिला, राइट। तो ये जो तीन एलिमेंट है, सेटिंग, प्रॉप और कैरेक्टर, तीनों को ही अगर तुम इंटरचेंज करोगे, मतलब किसी का सेटिंग्स किसी के अंदर, किसी का प्रॉप किसी के हाथ में, ऐसे डाल दोगे तो उसमें स्टोरी आएगा। अभी मान लो कि ये वाला जो प्रॉप है, ये दोनों ही सेटिंग्स और कैरेक्टर को लेकर बोला, ये मान लो कि ये सिगरेट है, अब इन तीनों का ही सिगरेट पकड़ा दो, बच्चा भी सिगरेट फूंक रहा है, बाप भी सिगरेट फूंक रहा है, मम्मी भी सिगरेट फूंक रहा है, तो एक इंस्टेंटली तुमको एक पॉप मिलेगा इसमें, राइट। इंस्टेंटली तुम ऑडियंस को बोलोगे अरे यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब जो भी लोग लोग एक साथ आ जाएगा ये देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बच्चा भी
ये कर रहा है, मम्मी भी ये मान लो कि फूकने ही वाला है ऐसा कुछ। और इस बूढ़े आदमी को इस साइकिल में बिठा दो तो क्वेश्चन आएगा कि ये आदमी इतना बूढ़ा आदमी कैसे साइकिल चला रहा है, या फिर है ना। तो ये तीन एलिमेंट को तुम अगर इधर उधर करोगे तो इंटरेस्टिंग चीजें होंगे।